जय हिंद दोस्तों, मैं कलम गुरुमन आप लोगों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर, जो पूरी दुनिया के सामने न सिर्फ एक सबक बनकर आया है बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है। आपने देखा होगा कि मानवता के इतिहास में ये हमेशा से चलता आया है कि मानव न सिर्फ दूसरे जीव जंतुओं का बल्कि स्वयं का भी हमेशा से नुकसान करता आया है। आप लोगों ने सभ्यताओं को मिटते हुए देख सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, आप लोगों ने कई देशों, कई जातियों, कई समुदायों को मिटते हुए, विलुप्त होते हुए सुना होगा। कारण क्या था? कारण था मनुष्य का स्वयं का अपना स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षाएं। तो दोस्तों, आज आपके समक्ष मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, आज के समय में एक सोचने का विषय है, और ये विषय है रूस द्वारा यूक्रेन पर किया गया युद्ध। किया गया कह लें या थोप दिया गया युद्ध कह लें, लेकिन मुद्दा बहुत ही सोचनीय और ज्वलंत है। क्यों? क्योंकि कुछ निर्दोष लोगों को, निर्दोष भोली भाली जनता को, कुछ बड़े बड़े स्वयं को नेता कहने वाले कुछ तथाकथित लीडरों द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन बिल्कुल निर्दोष लोगों को, जो अपना जीवन, अपनी दिनचर्या आराम से व्यतीत कर रहे थे, उनका जीवन हनन कर लिया गया है। इससे हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं, केवल अपनी ताकत का दिखावा करने के लिए मानवता की, दुनिया की रक्षा करने की शपथ लेने वाली महाशक्तियाँ स्वयं छोटे छोटे देशों को निगल जाना चाहती हैं। इसका मानवता पर और मनुष्यों के जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूँगा। कृपया ध्यान दें और मुझे अपनी प्रतिक्रिया देकर इंगित जरूर कराएं। कल तक जहां पर रहते थे हंसते खिल खिलाते लोग, आज रह गए बस रोते बिलखते बिल बिलाते लोग। यही तो है आखिर में मैदाने जंग का हासिल, लाशों पर आंसू बहाते चीखते चिल्लाते लोग। आँखों के सामने ढहते हुए सपनों के वो महल, तोपों की गड़गड़ाहटों से जब जाते हैं दिल दहल। कांपते से हाथों से घर का मलबा उठाते लोग, यही तो है आखिर में मैदाने जंग का हासिल, लाशों पर आंसू बहाते चीखते चिल्लाते लोग। वो जिनसे जान से ज़्यादा मोहब्बतें निभाते हैं, उनके बदन के टुकड़े अपने हाथ से उठाते हैं। घबराते बच्चे देख भीतर तक टूट जाते लोग, यही तो है आखिर में मैदाने जंग का हासिल, लाशों पर आंसू बहाते चीखते चिल्लाते लोग। उजड़ती हुई फसलें कहीं पर बंजर होती जमीन, बंदूकों की आवाज़ें जब तोड़ती सपने हसीन। जिंदगी भर की कमाई छोड़कर भाग जाते लोग, यही तो है आखिर में मैदाने जंग का हासिल, लाशों पर आंसू बहाते चीखते चिल्लाते लोग। टूट चुकी मानवता और बिखरते हुए घर आंगन, वो बिलखता हुआ बचपन और ये न उम्मीदे मन। महत्वाकांक्षी जननायकों का शोक मनाते लोग, यही तो है आखिर में मैदाने जंग का हासिल, लाशों पर आंसू बहाते चीखते चिल्लाते लोग, चीखते चिल्लाते लोग। दोस्तों, जंग का आखिर में यही हश्र होता है। कुछ नहीं बिगड़ता है उन बड़े बड़े नेताओं का, उन बड़े बड़े योद्धाओं का, उन बड़े बड़े सेना नायकों का जो बड़ी बड़ी हवेलियों में बैठकर
छोटे छोटे सिपाहियों के द्वारा अपनी जनता के निर्दोष बच्चों, बूढ़ों, औरतों के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। हासिल कुछ भी नहीं है, नुकसान मानव और मानवता का ही हो रहा है। और ऐसा ना हो कि एक दिन ये झूठी महत्वाकांक्षाएं, ये झूठे स्वार्थ इस पूरी मानवता को निगल जाएं। इससे अच्छा है कि देश, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी महाशक्तियां मिलकर ये निश्चित करें, ये सुनिश्चित करें कि क्या इन युद्धों से जो हासिल हम करना चाहते हैं वो वाकई आवश्यक है। यह बहुत ही शोचनीय विषय है और मैं इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से जगाना चाहूँगा उस संस्था को जो अपने आप को पूरे विश्व की संरक्षक कहती है, जिसे यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।